हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित। और दोस्तों, आप में से काफी लोग मुझे हमेशा पूछते रहते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जहां पर मैं काफी एक्टिव रहता हूं एंड आई कीप टॉकिंग अबाउट स्टॉक ऑप्शंस, इक्विटी ऑप्शंस, इंडेक्स ट्रेडिंग एंड ऑल द स्टफ एंड अ वेरी लिटिल बिट अबाउट क्रिप्टोज। और आप में से काफी लोग पूछते हैं कि भाई आप क्रिप्टो खरीदते हो, क्यों नहीं खरीदते हो। और मैंने काफी बार बताया कि भाई क्योंकि वो इंडिया में अभी तक रेगुलेटेड नहीं है, कोई क्लैरिफिकेशन एक्चुअली नहीं है, तो मैं उसमें ज्यादा जाता नहीं। एंड देन वी ऑल्सो हैव दिस इंडियन स्टॉक मार्केट, जहां पर बहुत पैसा है। आप अगर स्मार्ट हो, सही तरीके से चार्ट रीडिंग कर सकते हो, तो पैसे कमा ही सकते हो, देन व्हाई टू गो इनटू क्रिप्टोज। बट देन अब मुझे लग रहा है कि भाई जो मैंने काफी सोचा था कि अगर मुझे बिटकॉइन $20,000, $15,000, $10,000 के आसपास प्राइसिंग में दिखेगा, देन आई स्टार्ट पुटिंग अ लिटिल अमाउंट ऑफ मनी इनटू दैट। एंड आई जनरली हैव अ बिलीफ दैट यू नो आई नेवर कीप ऑल माय एग्स इन वन बास्केट। मतलब बेसिकली मैं सारे एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करता हूँ, बी इट गोल्ड, मे बी छोटा सा रियल एस्टेट इज माय मेजॉरिटी स्टेक होल्डर। लाइक मैं उसके ऊपर अलग वीडियो बनाना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट होगा तो बताऊंगा कि किस तरह से मैं अपने उस शीट को मेंटेन करता हूँ, जहां पर गोल्ड है, इक्विटी है, इंश्योरेंसेस है, फिक्स डिपॉजिट्स है। मैं फिक्स डिपॉजिट भी करता हूँ, येस डेफिनेटली, बिकॉज दैट्स लिक्विड कैश, जब भी मुझे चाहिए मैं फटाक से उसे निकाल सकता हूँ। सो दिस इज हाउ आई हैव बीन मैनेजिंग ऑल माय फाइनेंसेस। एंड उसके अंदर क्रिप्टो का जो सेक्शन है वो हमेशा से खाली रहा है, बिकॉज जब इनिशियली क्रिप्टो आया था तो मुझे उसके ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं था। दैट्स आई मीन लेट मी बी ऑनेस्ट, मैं उन इन्फ्लुएंसर्स की तरह नहीं बोलना चाहता कि क्रिप्टो इज द फ्यूचर, ले लो। और आप में से कितने लोगों को, आप लोग सोचिए कि इन्फ्लुएंसर्स ने जब $50,000 था क्रिप्टो का प्राइस, मतलब उस टाइम में आप लोगों कितना प्रमोट किया, $60,000 में कितने लोगों ने खरीदा है। मुझे बुरा लगता है कि भाई लोग ना अब फंस गए हैं, काफी लोग फंस गए हैं। और यही चीज मैंने 2016-17 के आसपास के रेंज में देखा था, इंडिया में काफी गांव में लोगों ने, जब क्रिप्टो का एक बूम आया था और जब गिर गई थी, लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज भी बेची थी और वो बहुत बड़े बड़े नुकसान में आ गए थे, और उन्होंने फिर बेच दी अपने क्रिप्टोस एंड फाइनली अगेन इट पीक टू $60,000 एंड नाउ इट्स बिलो $20,000। इनफैक्ट मैं अभी देख रहा हूँ तो यहाँ पर $18,000 दिखा रहा है क्रिप्टो बिटकॉइन का प्राइस, एंड इथेरियम हैज ऑल्सो फॉलन बिलो $942, मतलब $1,000 बेसिकली। और अगर हम बात करते हैं मतलब इलॉन मस्क के प्रमोटेड कॉइन की, जो $1 सुनने में आता था, अभी 5 सेंट्स उसकी वैल्यू, मतलब आप सोचिए कि मतलब There's no value left in that। तो अब क्या हमें क्रिप्टो में नहीं जाना चाहिए? मुझे लगता है कि भाई क्रिप्टो का फ्यूचर तो डेफिनेटली है, एज अ ओवरऑल इंडस्ट्री इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बूम। एंड अगर आप लेना चाहते हो और आप होल्ड कर रहे हो, ये दो अलग अलग डिस्कशंस है। मेरे केस में मैंने अभी तक कोई क्रिप्टो अपने पर्सनल पैसे से आज तक नहीं खरीदा है, तो मुझे अब लग रहा है कि आई स्टार्ट विद अ स्मॉल स्ट्रेटजी। एंड माई स्ट्रेटजी इज वेरी सिंपल, अगर बिटकॉइन $15,000 के नीचे जाता है उसका प्राइस पॉइंट, देन आई इन्वेस्ट 10% ऑफ माई लिक्विड कैश विच आई हैव राइट नाउ। मतलब जितना भी मेरा लिक्विड कैश है जो मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता था, उसमें से 10% मैं अभी 15,000 के नीचे रहेगा तो मैं खरीदूंगा। उसके बाद अगर वो 10,000 या 12,000 के जोन में बहुत ही फास्ट मूव कर रहा है, देन आई विल वेट फॉर $10,000 एंड आई विल ऐड अनदर 20% ऑफ माय लिक्विड कैश। सो बेसिकली 30% ऑफ माय लिक्विड कैश विल बी गोइंग इनटू क्रिप्टोस, बट नॉट बिफोर दैट। अब आप लोगों के भाई 15,000 तो बहुत दूर की बात है, भाई कल $17,000 चला गया था बिटकॉइन का प्राइस। और अगेन आई एम नॉट स्टिल नॉट श्योर मैं बिटकॉइन में करूंगा इन्वेस्ट या फिर इथेरियम में, बट डेफिनेटली मैं डॉजी या फिर ये शिप या फिर ये लूना टूना जो भी टेरा, ये सब बकवास कॉइन जो होते हैं ना, ये दिखाते हैं कि भाई बहुत ही बड़े बूम में जाएंगे, बट इवेंचुअली उसको लेने के बाद आप दिन रात उसके प्राइसेस चेक करते हो। वहीं पर अगर आप अच्छी चीज़ों को लेते हो तो आप कभी उसे चेक नहीं करते। जैसे कि अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, अगर आप रिलायंस के शेयर खरीदते हो, टाटा के शेयर लेते हो, ITC के लेते हो, तो आप दिन रात चेक नहीं करोगे भाई 15% गिर गया होगा, 20% गिर, ऐसे नहीं गिरते हैं। अच्छी चीज़ें हमेशा स्लोएंशली गिरते हैं और स्लोएंशली हाइक भी होती हैं। तो सेम वे अगर हम बात करते हैं क्रिप्टो की, तो मैं तो जाऊँगा सिर्फ इथेरियम में और बिटकॉइन में एंड नॉट एनी अदर कॉइन्स, एंड दैट्स माई इनिशियल स्ट्रेटजी। क्लियरली यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है मार्केट के अंदर, मतलब यहाँ से और फ्री फॉल हो सकता है। $17,000 तो ऑलरेडी आ चुका है, मैं 15 की वेट करूंगा, अगर वहां से स्टेबल हो रहा है देन आई प्रॉब्ली बाय, इफ नॉट आई स्टिल वेट फॉर द फर्दर ड्रॉप। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई आप लोग ना फोमो में मत आ जाना, मतलब कि अगर मैं अभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा तो यहां से मार्केट वापस $50,000 चला जाएगा या फिर जो क्रिप्टो की प्राइसिंग थी ₹50,00,000 वहां तक चली जाएगी, तो डेफिनेटली भाई ऐसे सपने मत देखो। अगर नहीं आया तो ठीक है, मत खरीदो, बट क्यों कंपल्शन में आने के बाद आप अपने पैसे इन्वेस्ट करने के बाद फिर टेंशन में रहते हो? ऐसे प्रॉपर्टी लेने का कोई मतलब नहीं होता, ऐसे एसेट में इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं होता है। रादर बाय समथिंग विच इज हैविंग अ गारंटी दैट ये वापस रिकवर होगा। और ओवरऑल सारे एसेट क्लासेस में अभी बेरिश मार्केट चल रही है, मतलब बिकॉज ऑफ द वार, द क्रूड प्राइसेस इंक्रीज, इन्फ्लेशन कॉस्ट एंड एवरी थिंग, यहां पर हर जगह हर चीज के प्राइस ऊपर जा रहे हैं, विच इज द रीजन यहां पर मार्केट्स कंप्लीटली डाउन है। इंडियन स्टॉक मार्केट भी 62,000 के आसपास सेंसेक्स गया था, अभी 51,000 के आसपास आ गया, विच इज लाइक ऑलमोस्ट 25% ऑफ करेक्शन ऑलमोस्ट हमें देखने मिल रहा है। बिटकॉइन में तो बेसिकली मतलब 70% प्राइस उसकी गिर गई है, विच इज अगेन अ गुड अपॉर्चुनिटी, बट देन डोंट जस्ट कीप बाइंग द डिप्स। मतलब जब भी आपको लगे कि भाई $1,000 आ गया इथेरियम, लेट्स बाय इट, नहीं, अभी $900 भी आ गया, तो ऐसे ये रुकते नहीं है चीजें। जब ये गिर रही है और ऊपर से ओवरऑल अभी भी मार्केट में कोई ऐसा पॉजिटिव सेंटीमेंट, कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आया है कि भाई जिसके कारण हमें लगे रहा है कि भाई ओवरऑल मार्केट वापस से फटाफट
रिबाउंड हो जाएगी। अगर ये मार्केट यहाँ पर रुक भी जाती है, थोड़ा सा रिबाउंड होती भी है, बट देयर इज नो क्विक अपसाइड एक्सपेक्टेड राइट नाउ। तो आप ये मत सोचना कि अगर आप एज ऑफ नाउ इथेरियम लेते हो $1,000 के प्राइस के आसपास और ये फटाफट से $3,000 वापस चली जाएगी, तो दैट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो ओनली इन्वेस्ट द अमाउंट ऑफ मनी जिसको आप भूल जा सकते हो। जैसे मैंने बताया कि मैं 10% 15% इनिशियली इन्वेस्ट करूंगा, फिर 20% ऐड करूंगा, बट दैट विल बी अ अमाउंट विच आई डोंट थिंक विल बी मोर देन 20-25 lakhs, मे बी 30-40 lakhs डाउन द लाइन। बट ये इतनी अमाउंट है जो मैं ऑलरेडी किसी और जगह से प्रॉफिट करके उसको मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बाहर से लोन लेकर, काफी लोग ना उसको उस फाइनेंशियल सिचुएशन चला था जहाँ पर वो लोन लेकर उन सब चीज़ों को इन्वेस्ट करते हैं। डोंट डू दैट, डोंट इन्वेस्ट एनी मनी बाई टेकिंग इट ऑन इंटरेस्ट, बिकॉज यहाँ पर ये ऊपर जाने का चांस अभी बहुत टाइट है। मतलब मार्केट इज इन अ बेरिश सिचुएशन, इट माइट रिकवर बट इज गोइंग टू टेक ऑलमोस्ट 1-2 years इज वॉट आई बिलीव। अगेन इट माइट बी क्विकर विच इज गुड फॉर एवरी वन, बट डोंट बाई क्रिप्टोज जस्ट बिकॉज इट्स फॉलिंग, बिकॉज नॉट एवरी बाई द डिप इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। और अपने हिसाब से थोड़ा सा आप भी होमवर्क कीजिए, रिसर्च कीजिए। आप ये सोचिए कि भाई अगर जब लोगों ने बोला था कि $50,000-$60,000 का प्राइस था, उसका 25,000 आ गया, तो लोगों ने बोला कि बेस्ट प्राइस है, यहाँ से ये वापस नीचे कभी नहीं जाएगा। और आप सोचिए जिसने $25,000 इन्वेस्ट कर दिए, मतलब सोचिए कि 30 lakh rupees में एक बिटकॉइन खरीदा, आज वो 15 lakh का हो गया विद इन 1 week, तो उसको कितनी मतलब तकलीफ हो रही होगी। तो जब 15 में मिल रहा है तो 10 अगर जाता है तभी हम खरीदते हैं, वरना नहीं खरीदेंगे भाई। नहीं मिला तो नहीं मिला, नहीं चाहिए थी ये चीज हमें, बट अगर मिलता है तभी खरीदो, वरना डोंट बाय इट इज व्हाट आई बिलीव। अगेन दीज आर माय थॉट्स, मेरी सिंपल स्ट्रेटजी अबाउट द क्रिप्टोज करंट फॉल एंड व्हाट आई बिलीव अराउंड इट। अगर आपको मेरे बारे इसी के बारे में ज्यादा अपडेट चाहिए, कंटिन्यूस अपडेट चाहिए, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर मैं बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहता हूं एंड वी कीप टॉकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट प्राइमरी। आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक है इन द डिस्क्रिप्शन। दैट्स इट दोस्तों, मैं हूं अमित और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय। Bye.